सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एडियो भाई विथ आवर न्यू वीडियो जो कि मैंने बनाया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एपिसोड नंबर 3। अभी मैंने 2 एपिसोड रिलीज़ कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखिए, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। और अभी आपका एपिसोड नंबर 3 चालू हो गया, ठीक। तो आज हमें डिस्कस करना है सेल के कॉम्पोनेंट्स, और अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में वो प्रैक्टिकल नॉलेज हमने लिए हैं। प्रैक्टिकली हमने सेल को देखा, सेल को हमने लेबल किया, सेल के हम लोगों ने ये पता किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है। अब हम एक एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकली नॉलेज हम रख लेंगे, ठीक। जो मैं लिखवाता जाऊं उसे आप नोट करते जाइए, और जो मैं कहता जाऊं उसे आप समझते जाइए, ठीक। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ लीजिए, ठीक। अब हमें आज डिस्कस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसमें टाइम ले सकता है, और सेल वॉल बहुत ही ईजी टॉपिक है, और फिर हम लोग डायग्राम भी देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ठीक। तो चालू करते हैं। अब देखिए सेल कंपोनेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे सेल है, सेल के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। सेल के अंदर क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स, ठीक। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक। उनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। वो साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, तो साइटोप्लाज्म में स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल ऑर्गेनल है, वो पावर हाउस है, वही पावर जनरेट करता है सेल के लिए, ठीक। मतलब अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे हार्ट का पंपिंग होता है, लंग्स का रेस्पिरेशन होता है, अलग अलग मतलब कह सकते हैं आप, ठीक। तो ये तो ठीक है, हम अगले लेक्चर में सेल ऑर्गेनल्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको ये बात बता दूँ कि एक कोई भी पर्टिकुलर सेल ले लीजिए, कोई भी सेल ले लीजिए, ठीक। चाहे आप प्रोकैरियोटिक ले लीजिए, यूकैरियोटिक ले लीजिए, यूनिसेलुलर ले लीजिए, मल्टीसेलुलर ले लीजिए, है ना, यही ना डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, कोई भी सेल ले लीजिए, तो उसमें आपके तीन कंपोनेंट्स, क्या तीन है कंपोनेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये तीन कंपोनेंट्स होना कंपलसरी है। अगर आपके ये तीन कंपोनेंट्स नहीं हुए तो आपका जो सेल होगा वो स्टेबल नहीं कहलाएगा, ठीक। समझ में आया, कोई डाउट? बस तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वो ये ऊपरी मेम्ब्रेन होती है, किसी भी सेल की ऊपरी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपरी सतह जो होती है, जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जो डिसाइड करती है कि सेल के पार्टिकल्स को सेल के बाहर जाना चाहिए या फिर दूसरे पार्टिकल्स को सेल के अंदर आना चाहिए, ये डिसाइड करती है, ठीक। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की ऊपरी सतह होती है, ठीक, और उसको हम जनरली सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का मतलब सेल, और मेम्ब्रेन मतलब जो ऊपरी सतह, ऊपरी जो कवरिंग है, ठीक। अब देखिए, एक बहुत ही जेन्यून सा क्वेश्चन बनता है हमारे, कोई भी एग्जाम देख लीजिए आपके 9th में होंगे तो आपको आएगा क्वेश्चन, आपके यूनिट टेस्ट से लेके फाइनल तक एग्जाम में भी आ सकता है, मतलब हर एक उसमें आ सकता है आपके एग्जाम में आना कंपलसरी क्वेश्चन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब वर्डिंग्स देखिए, सेलेक्टिवली परमिएबल, समझ रहे ना, सेलेक्टिवली मतलब आपका सेलेक्टेड पार्टिकल्स मतलब आप कह सकते हैं कुछ गिने चुने, चुनिंदा कह सकते हैं, ठीक, और परमिएबल मतलब परमिट करना, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो गिने चुने ही, वो एक तो पहली बात तो सेल के बाहर की मेम्ब्रेन होती है, तो वो गिने चुने पार्टिकल्स को ही अंदर आती है, वो हार्मफुल पार्टिकल्स को नहीं आने देती अंदर, मतलब गिने चुने पार्टिकल्स को ही की एंट्री वो अलाउ करती है, ठीक। इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये लिख लीजिए, ठीक आपकी। और ये जो प्रिवेंट करता है, मतलब रेगुलेट करता है, मतलब कि कंट्रोल कर, रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल का, या तो बाहर से अंदर आने का या तो अंदर से बाहर जाने का, ठीक।
अब ये जो अंदर से बाहर जाता है, बाहर से अंदर आता है, ये प्रोसेस हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। ये अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस। तो उससे पहले मैं आपको और कुछ जानकारी भी दे दूँ, जो आपका ये किस चीज़ का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका प्रोटीन और लाइपिड्स का बना होता है। प्रोटीन लाइपिड्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो इसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक। आपने अमीबा का शेप देखा होगा, अमीबा कुछ ऐसा ऐसा कुछ ऐसा होता है ना, जेली लाइक होता है, उसका इरेगुलर शेप होता है, कोई मतलब उसका निश्चित ही नहीं होता शेप। तो वो उसकी जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही, उसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, तो उसके ही थ्रू वो हिलता रहता है। साइड सीडोपोडिया भी कहते हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो उसकी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि ऐसे 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 घूमती रहती है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल कौन बनाता है? प्रोटीन और लाइपिड, नोट कर लीजिए, ठीक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका प्लांट्स और एनिमल्स सेल दोनों में होता है। जनरली आप ये समझ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल, अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या, पिछले वाली स्लाइड में क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये हर सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक। ये लिख लीजिए। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के साइटोप्लाज्म को बाहर की सराउंडिंग से अलग करती है, समझ में आया? अब देखिए, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था सेल जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मूवमेंट, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, कोई गैस ले लीजिए, O2, CO2, जैसे हमको O2 चाहिए ना, हमें सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन चाहिए होता है उनको, तो ऑक्सीजन चाहिए होता है जब, तो ऑक्सीजन ऐसे ही तो आ नहीं जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके जाएंगे ना। मान लीजिए O2 आ रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके अंदर जाएंगे ना सेल के अंदर। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अपन डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? सॉरी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न, ठीक, समझ में आया? अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जनरली गैसेस, फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन समझ लीजिए, ठीक। हायर कंसेंट्रेशन मतलब एक कोई पर्टिकुलर अमाउंट, कोई पर्टिकुलर आपकी गैस है, ठीक, पर्टिकुलर आपकी गैस है, तो उसका अमाउंट उसकी क्वांटिटी, अगर जिस एरिया में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उस एरिया को हम कहेंगे हाई कंसेंट्रेशन, ठीक, और जिस एरिया में उसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम कहेंगे लोअर कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन, ठीक। देखिए यहाँ पे कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, ये होता है। तो अब समझने वाली बात है, डिफ्यूज़न मतलब होता है आपका किसी भी गैशियस भी कह सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस, लिक्विड नहीं, मैं अब यहाँ पे वाटर की बात नहीं कर रहा, अभी सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस की इसके हायर कंसेंट्रेशन से इसके लोअर कंसेंट्रेशन तक के मूवमेंट को डिफ्यूज़न कहते हैं, समझ में आया? इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक। देखिए CO2 क्या है, CO2 जो है आपके सेल के अंदर सेल है ये, ठीक, सेल के अंदर आपको O2 डिमांड करता है, और जब O2 बन जाता है, O2 डिमांड हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे CO2 क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी CO2 क्रिएट हो जाती है, ठीक, सेल के अंदर बहुत सारी CO2 क्रिएट हो जाती है, तो इस CO2 को बाहर भेजना पड़ता है ना, इस CO2 को जब यहाँ पे CO2 ज़्यादा हो जाती है, तो मान के लिए अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए CO2 यहाँ आपका, मान के चलिए जैसे ये आपका सेल है, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक, ये आपका सेल है, तो यहाँ पे CO2 आपका मान लीजिए 80% है, ठीक, 80% है, और बाहर सेल की सराउंडिंग में आपका 20% है CO2, 20% आपका CO2 है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन अधिक है, मतलब अमाउंट CO2 का अधिक है सेल के अंदर, और सेल के बाहर कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से आपका लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, मतलब अंदर से बाहर जाएगा CO2, और ये जिस प्रोसेस से जाएगा उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे, मतलब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा तो उसको डिफ्यूजन कहेंगे, समझ में आया ना आपको? CO2 एग्जांपल है, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए एग्जांपल में आप इतना याद रखिए, किसी भी जो गैसेस एक्सचेंज होती है अपने सेल्स में, आपने देखा होगा O2 और CO2 का वो होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है, O2 CO2 आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं सेल्स में, ठीक, तो यही जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक, समझ में आया आपको? बस
अब देखिए ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, अलग टाइप नहीं कह सकते, सेम ही टॉपिक, सिमिलर टॉपिक है, बस गैस की जगह उधर रिफ्यूजन में गैस और सब्सटेंसेस थे और यहाँ पे वाटर है, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस मतलब कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है जो कि इसकी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब आपको मैंने वही पिछले जैसा ही है, मतलब अगर जहाँ पे किसी जैसे सेल ले लीजिए, ठीक, तो सेल में अंदर आपका H2O है 90%, कितना है 90%, ठीक, और बाहर आपका H2O है 10%, तो अंदर हाई कंसेंट्रेशन है, H2O की क्वांटिटी अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाएगा ना, तो अंदर से बाहर जाएगा, तो इसी एक्सचेंज करेगा गैस, यहाँ से अंदर से जब बाहर जाएगा तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो जाएगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। समझ में आया, इसका एग्जांपल भी नोट कर लीजिए ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस जो होती है सीन कर देखी जाती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक, सेल में देखी जाती है, वो भी आपको बताऊंगा। ऑस्मोसिस के पूरा वो है टॉपिक है, ऑस्मोसिस के अंदर एक टॉपिक है, उसके बारे में अभी डिस्कस करना है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको समझ ऐसी क्लैरिटी आपको दे दूंगा मैं, समझ ऐसी क्लैरिटी आएगी आपको कि आपको कभी डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक। NCERT में है ये, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आपको इसमें समझाता हूँ। तो देखिए ऑस्मोसिस हमारे सेल में तीन तरीके से होता है, ठीक, तीन तरीके से होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो होता है, लेकिन तीन तरीके से होता है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि अगर मीडियम के सराउंड, सेल की मीडियम है, सेल जो है सेल के जो सेल के सराउंडिंग जो मीडियम है वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है पानी का और सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होती है, ठीक। तो आप ये तो ठीक है, अभी आपको एग्जांपल से बताता हूँ, फिगर के थ्रू बताता हूँ। देखिए जैसे सेल है, ठीक, सेल के अंदर ये कह रहा है कि सेल के मीडियम में, सेल के जो मीडियम है, सेल का जो मीडियम है आसपास सेल के सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है, ठीक, पानी मान चलिए बाहर है 90%, ठीक, और आपके एग्जांपल है, ठीक, अंदर आपका पानी 10% है, ठीक, मतलब सेल के अंदर पानी का अमाउंट कम है, सेल के बाहर ज़्यादा है, तो सेल के बाहर आपका हायर कंसंट्रेशन हुआ और सेल के अंदर आपका लोअर कंसंट्रेशन हुआ, तो ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है ना, तो बाहर से अंदर आ जाएगा सेल, समझ में आया ना, सेल जो आपका होगा वो आपका बाहर से अंदर आ जाएगा, तो वो सॉरी बोल रहा हूँ, पानी 90% है बाहर और अंदर 10% है, तो बाहर से अंदर आएगा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो उसी को हम कहेंगे अंदर, जब अंदर आ जाएगा तो सेल पहले कम छोटा था साइज में, ठीक, जब पानी अंदर आ जाएगा तो सेल फूल जाएगा, आपको आप देखते होंगे जो चना होता है ना, चना जब आप फुलाते हैं पानी में तो फूल जाता है ना, उसी तरह सेल भी फूल जाएगा, आपका सेल फूल जाएगा, ऐसे बड़ा सा हो जाएगा और अंदर का जो सॉल्यूशन होगा, सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, पानी का अमाउंट सेल के अंदर अधिक हो जाएगा, और जब सेल के अंदर जब पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो सेल डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट मतलब पानी पतला हो जाना, पतला हो जाएगा, सेल के अंदर सॉल्यूशन पतला हो जाएगा, और इसी सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये नोट कर लीजिए, मैं लिखा हूँ इसमें, समझाया हूँ आपको, देखिए फिर से आपको अच्छे समझाता हूँ। देखिए सेल के बाहर आपका कंसंट्रेशन पानी का अधिक है और सेल के अंदर कम है कंसंट्रेशन पानी का, ठीक, तो ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगी, ठीक, तो बाहर से अंदर आएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर से अंदर आएगा, तो जब अंदर आएगा तो आपका जो सेल होगा, ठीक, आपका जो सेल होगा वो गेन कर जाएगा, पानी को ले लेगा, पानी को लूज नहीं करेगा, पानी को गेन करेगा, भाई बाहर से अंदर आ रहा है तो सेल तो पानी को ले ही लेगा, और जब पानी को ले लेगा तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसको कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब, हाइपो मतलब होता है कम, टॉनिक मतलब होता है गाढ़ा, समझ लीजिए, ठीक, रखने का तरीका है, हाइपो मतलब कम होता है, टॉनिक मतलब गाढ़ा। जब अंदर जब पानी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो अंदर का सॉल्यूशन पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा मतलब गाढ़ा नहीं रहेगा, तो कम गाढ़ा हो जाएगा, पतला मतलब कम गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा ही नहीं रह जाएगा, उसी इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। और ये कंडीशन होती है सेल को क्या इफेक्ट करते हैं, सेल फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक, देख लीजिए समझ में आ गया, ये पहली कंडीशन थी, ये आपको थोड़ा टाइम देके मैं बताना पड़ा आपको, क्योंकि थोड़ा सा नया टॉपिक था ये, अब दोनों जल्दी से निपटाते हैं, ठीक। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन क्या बनती है आपकी, सेकंड कंडीशन ये बनती है कि अगर सेल के बाहर जो है मीडियम में सेम कंसंट्रेशन है, किसके सेम, सेल मतलब जितना अमाउंट सेल के अंदर है पानी का, उतना ही अमाउंट सेल के बाहर भी है पानी का, ठीक, मतलब
अप्रॉक्सीमेटली आप ले लीजिए सेल के अंदर 50%, सेल के बाहर भी 50%, दोनों का अमाउंट ज़्यादा ना कम है ना ज़्यादा, दोनों का बराबर है। ठीक, तो अब ये भी आप देख सकते हैं कि ना ही सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर हायर कंसंट्रेशन है। लेकिन ऑस्मोसिस क्या होती है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होती है, तो यहाँ पे तो ऑस्मोसिस होएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ बाहर भी सेम है, अंदर भी सेम है, दोनों बराबर अमाउंट में पानी है। तो ऑस्मोसिस जब नहीं होगी तो ना सेल पानी ले सकेगा, ना सेल पानी छोड़ सकेगा। तो सेल का जो शेप रहेगा उसी शेप में रहेगा, मतलब सेल में पानी का जो मूवमेंट होगा नहीं होगा, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा, पानी जहाँ है वहीं रह जाएगा। ठीक, और इस सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब होता है सिमिलर, टॉनिक मतलब गाढ़ा, जितना गाढ़ा था उतना ही गाढ़ा रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जितना पतला, अगर पतला था तो पतला रह जाएगा, अगर गाढ़ा था तो गाढ़ा रह जाएगा। ठीक, और सेल में क्या अफेक्शन होगा? सेल जो है जो जिस साइज में पहले था उसी साइज में अभी भी रह जाएगा। ठीक, समझ में आया? नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए अब थर्ड कंडीशन क्या बनती है। थर्ड कंडीशन ये बनती है कि मान के चलिए आपके सेल के जो सराउंडिंग है रीजन, वहाँ पे पानी कंसंट्रेशन कम है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप 10% बाहर ले लीजिए, और सेल के अंदर ज़्यादा है पानी कंसंट्रेशन, मतलब 90% ले लीजिए। ठीक, 90% है, तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन, अंदर सेल के हायर कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर लोअर कंसंट्रेशन है। ऑस्मोसिस किस कैसे होती है? ऑस्मोसिस होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से पानी अंदर से बाहर चला जाएगा, जाएगा ना, पानी अंदर से बाहर चला जाएगा। और जब पानी अंदर से बाहर चला जाएगा तो सेल, मतलब सेल लूज़ कर रहा है ना पानी, सेल लूज़ कर देगा पानी तो अंदर से बाहर चला जाएगा, और तो जो सॉल्यूशन बनेगा अंदर सॉल्यूशन बनेगा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। ठीक, हाइपर मतलब होता है कम, टॉनिक मतलब होता है गाढ़ा। क्यों कम गाढ़ा? गाढ़ा क्यों हो जाए? कम गाढ़ा हो जाएगा, कम बोला हूँ, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा सॉल्यूशन, अंदर के सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ज़्यादा गाढ़ा क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले पानी ज़्यादा था। ठीक, तो और अब जब छोड़ देगा तो पानी कम हो जाएगा। ठीक, पानी कम हो जाएगा ना, जब छोड़ेगा तो पानी कम हो जाएगा अंदर, और जब कम हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा, सॉरी जो सेल हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ जाएगा सेल, और जब सिकुड़ जाएगा तो अंदर सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा, पानी की मात्रा कम रहेगी, पानी की मात्रा रहेगी नहीं, मतलब बहुत लीस्ट रहेगी, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा हाइपरटॉनिक। याद कर लीजिए, ठीक, तीन प्रकार के सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए, एक था हमारा हाइपोटॉनिक, एक आइसोटॉनिक, और एक हाइपरटॉनिक। ठीक, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए सेल की बात बताते हैं, दूसरी बात बताते हैं अब फ्लेक्सिबिलिटी। सेल जो होता है, आपको मैंने क्या बताया था पिछली स्लाइड में, कि जो सेल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, फ्लेक्सिबल होता है, प्रोटीन और लाइपिड होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होता है तो आपका इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा आपका सेल जो होता है, जैसे अमीबा का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें आपको नहीं बताऊंगा, इसमें बताता हूँ आपको इस वाली स्लाइड में। जैसे अमीबा होता है, ऐसा ऐसा शेप होता है ना उसका, तो इसी से वो मूव करता है, उसका शेप इरेगुलर होता रहता है। ठीक, तो यही फ्लेक्सिबिलिटी ना उसके अंदर, उसके सेल में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इधर उधर करता रहता है, तो इसी से वो खाना ले लेता है। कैसे खाना लेता है? मतलब खाना, जैसे आपका ये अमीबा है, मान लीजिए ये अमीबा है, ये उसका खाना है, फूड पार्टिकल, कोई भी फूड पार्टिकल है। ठीक, तो ये न्यूक्लियस है। ठीक, तो अमीबा पहले उसके कैप्चर करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर अगली बार वो आपका ऐसे करके कवर कर लेगा, फूड पार्टिकल कवर कर लेगा, और फिर उसके बाद आपका ऐसे करके अंदर करके फूड पार्टिकल अंदर रख लेगा, ये फूड पार्टिकल अंदर हो जाएगा। ठीक, ये तो मान लीजिए थोड़ी सी बाहर आपको बता दिए, मेन आप इतना याद रख लीजिए कि जो सेल होता है एंजल, मतलब फूड को लेना होता है, फूड को ग्रहण करना, फूड को ले लेना, तो बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को अंदर ले लेना। ठीक, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। आपको अभी नहीं समझ में आया तो एक बार से समझ लीजिए, बाहर फूड का पार्टिकल आपका सेल के बाहर है, सेल के एक्सटर्नल है, सेल है मान लीजिए। ठीक, अमीबा से यूनिसेलुलर होता है, आपको पहले लेक्चर में बताया था मैं, तो ये आपका बाहर है, बाहर फूड पार्टिकल है, और ये सेल है, ये अमीबा सेल है, तो ये आपका अंदर ले लेगा, फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा, किस प्रोसेस के थ्रू? एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो द सेल फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू एंजल्स इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को अंदर ले लेगा, और इसी प्रोसेस को कहेंगे एंडोसाइटोसिस। ठीक, और ये इसका एग्जांपल आप रख लीजिए अमीबा। ठीक, समझ में आया आपको? बस।
अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको समझ में आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका केवल इतना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन लाइपिड की बनी होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है, और ऑस्मोसिस के तीन केस में आपको बता दिया। ठीक, तो आप ये पहले मेरा लेक्चर देखने के बाद आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, नोट्स रख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी में थोड़ा सा थ्योरी टाइप अलग टाइप का समझाया, तो आपको थोड़ा समझ में ना आएगा इजीली। तो आप पहले मेरा लेक्चर देख लीजिएगा और फिर एनसीईआरटी को रीड करिएगा, तो आपको इतने झकास तरीके से आपको समझ में आएगा कि आप फिर मास्टर हो जाएंगे। ठीक, एनसीईआरटी को रीड कर लीजिएगा मेरा लेक्चर देखने के बाद। ठीक, अब देखिए, अब सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल एक एडिशनल कह सकते हैं आप। तो देखिए, आपका ये था एनिमल सेल था, ये एनिमल सेल आपका ये है। तो एनिमल सेल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बाहरी सतह होती है। ठीक, बाहरी मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और लेकिन जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन नहीं वॉल होती है, वॉल टाइप में रिजिड होती है, रिजिड मतलब हार्ड होती है। आपने क्या देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो आपका ये सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, थोड़ा सा बहुत ठोस होती है। ठीक, तो ये आपका ये है सेल वॉल, ये है आपका, ठीक, सबसे बाहरी सतह होती है, बहुत ठोस होती है। आप देखे होंगे प्लांट सेल है, प्लांट देखिए, आप अपने आप अपनी स्किन को टच करिए कितनी सॉफ्ट होती है। ठीक, किसी भी एनिमल की स्किन देखिए सॉफ्ट होती है, और अगर आप पेड़ को छुएंगे तो पेड़ की स्किन कहूँगा मैं, वो बार्क जो होता है, कोई भी पेड़ के बाहर आप पेड़ को टच करेंगे तो हार्ड होता है ना पेड़, क्योंकि उसके पास सेल वॉल जो होता है बहुत रिजिड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन सेल वॉल थोड़ा रिजिड होता है, इसलिए वो थोड़ा सा आपका वो होता है, हार्ड होता है। ठीक, तो प्लांट सेल के ऊपर एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। समझ में आया? बस देखिए, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर आउटर साइड में ये होती है सेल वॉल। ठीक, इसी पोजीशन में आपको पता चल गई। ठीक, अभी डायग्राम आपको अच्छे से दिखाऊंगा। अब देखिए, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल आपकी किसकी बनी होती है, प्लांट में, प्लांट की सेल वॉल जो होती है, आपकी जो सेल वॉल होती है तीन लोगों में होती है, केवल तीन प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में होती है सेल वॉल, एनिमल में नहीं होती, केवल तीन उसमें होती है, प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है। फंजाई जो फफूंद होती है ना, ब्रेड में लग जाती है फफूंद, काली काली होती है। ठीक, और आपका बैक्टीरिया होता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब में होती है। ठीक, सब में सेल वॉल होती है, एक्सेप्शन किस में, माइकोप्लाज्मा। आपको मैं पिछले दो लेक्चर से बता रहा हूँ कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसका सेल सबसे छोटा होता है, और उसका सेल इसलिए छोटा होता है क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होती। सभी बैक्टीरियाज के पास सेल वॉल होती है, लेकिन उसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। समझ में आया? एक्सेप्शन है। ठीक, और तीन प्रकार, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में। ठीक, सबकी अलग अलग, जो तीनों की सेल वॉल अलग अलग तरीके के बने होते हैं, जैसे प्लांट का सेल्यूलोस का बना होता है। ठीक, बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, फंजाई का काइटिन का बना होता है, आप सुन लीजिए, बस लिखिए मत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत हाई लेवल की बात है। ठीक, आप इतना याद कर लीजिए, सेल्यूलोस जो है, प्लांट सेल है जो, वो सेल्यूलोस का बना होता है। ठीक, और इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक, समझ में आया? थोड़ा रिजिड होता है, रिजिड बहुत, मतलब वॉल होती है तो रिजिड होती है। ठीक, समझ में आया सेल वॉल के बारे में? सेल वॉल कुछ भी नहीं है, बस इतना पॉइंट समझ लीजिए, और कुछ भी नहीं आता इसमें सेल वॉल से रिलेटेड, बस इतना समझ लीजिए कि सेल्यूलोस का होता है, सेल वॉल आपका सेल्यूलोस का बनी होती है, और सेल वॉल परमिट करते हैं, परमिट मतलब सेल वॉल होती है प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। ठीक, बस हो गया, इतना ही है, और ये थोड़ा सा देख लीजिएगा जो मैं लिखा हूँ, और बाकी कुछ भी नहीं आता इसमें। और एक प्लाज्मोलाइसिस नाम की प्रोसेस है, ये भी आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी अच्छे समझाया है। तो ये फिनोमिना होता है जिसमें आपका जो सेल के कंटेंट्स हैं, सेल श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है। ठीक, और वो वाटर लूज, जब वाटर लूज करता है, आप देखे होंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है, जब कोई भी सेल जो होता है, जब कोई भी सेल, अभी तीन रीजन आपने देखे थे, डिस्कस किए थे हम लोगों ने, मैंने आपसे कि तीन केसेस आपने डिस्कस किए थे कि लूज कर देता है, उसमें से एक केस लूज कर देता है, जब पानी लूज करता है तो पतला हो जाता है, सेल जो होता है सिकुड़ जाता है, तो वही प्रोसेस होती है प्लाज्मोलाइसिस। प्लांट्स के ऊपर ये प्रोसेस होती है, जब उनका सेल श्रिंक हो जाता है तो प्लाज्मोलाइसिस नाम की प्रोसेस प्लांट में होती है। ठीक, प्लांट्स में होती है। बस, तो यही था आज का टॉपिक, और
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए सेल वॉल आपका, सेल वॉल आपका ये है सबसे ऊपर है, सेल वॉल आपका सबसे ऊपर है, ये सेल वॉल है। और इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी यहाँ पे, यहाँ ये जो ऊपर यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है जो, ठीक, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका सेल वॉल है, ठीक, समझ लीजिए। ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का हम अगले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद ये हमने अच्छे से आज पढ़ लिया सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दुख दर्द कुछ भी हो, आप मुझसे डिस्कस करें और एक कमेंट दे दीजिएगा। और स्टे ट्यून टू एडू भाई एंड हैप्पी लर्निंग, ठीक। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, और हम कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा और अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।